नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24। आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। जी हाँ दोस्तों, स्नातक पास जो लड़कियां हैं उन लोगों को 50,000 रुपये सरकार देने का वादा कर चुकी थी, तो उसी के अंतर्गत एक न्यूज भी आई है। और अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो ज़रूर आवेदन कर लीजिए, अगला हो सकता है आपको भी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए देखेंगे सारा कुछ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कि आज जो न्यूज आई थी वो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। देख सकते हैं, ये पटना का अखबार है, आप देख पा रहे होंगे, हिंदुस्तान पटना से छपी हुई है। बुधवार 11 अगस्त 2021 को ये पेपर छपी थी। ठीक है, अब यहीं पे पेपर में आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। देख पा रहे होंगे, अगर आपके पास पेपर उपलब्ध हो तो आप भी देख पाएंगे पटना से। लेकिन ठीक है, पटना के अखबार में ही छपा था तो पटना के अखबार में ही देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपका दिया गया था 12,000 को कन्या उत्थान की राशि जल्द। जी हाँ दोस्तों, राज्य में स्नातक पास करने वाली 12,000 बेटियों के खाते में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की राशि शीघ्र जाएगी। राशि अंतरण की कार्रवाई शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। स्नातक पास प्रति छात्रा 50,000 रुपये दिए जाएंगे। मंगलवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि कन्या उत्थान योजना के तहत 2021-22 में, ठीक है, 2021-22 में जो कि ये पैसा जो है आपको मिलेगा 2020 वालों को, ठीक है, तो 200 करोड़ निकासी कर दी गई है। देख सकते हैं 200 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इसके लिए किया गया है। इसमें 30 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई है। ठीक है, तो अभी पैसा कम निकला है, हो सकता है अगला लिस्ट और भी आए। तो अभी फिलहाल 12,000 लड़कियों को ये पैसा मिलने वाला है। इसमें 30 करोड़ रुपए की निकासी कर ली गई है। इसे शीघ्र ही 12,000 बेटियों के खाते में भेजा जाएगा। तो क्या है पूरी प्रक्रिया, अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है तो कैसे आवेदन करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो आवेदन कैसे करेंगे, ठीक है। आवेदन करने के लिए आपको आना होगा ई कल्याण वेबसाइट पर, ठीक है। ई कल्याण वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट इसे ओपन कर पाएंगे, ठीक है। या फिर आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा EDU DBT, ठीक है, ये EDU DBT बिहार करके सर्च करिएगा गूगल में, तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना में आवेदन भरने से पहले महत्वपूर्ण निर्देश, क्योंकि आवेदन बहुत पहले से भी हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका लिमिट नहीं है, कोई डेट फिक्स नहीं है, आप जब चाहे आवेदन कर सकते हैं। बात करें पिछले पिछले जो आवेदन किए हैं, 2019 वाले भी आवेदन करके रखे हैं, 2018 के लोग भी आवेदन करके रखे हैं, उन लोगों का भी पैसा भी अटका हुआ है। तो वो यूनिवर्सिटी की गलती से अटका हुआ है, यूनिवर्सिटी आपके आवेदन को वेरीफाई नहीं कर रही है, इसी कारण से आपका पैसा नहीं मिल रहा है। शिक्षा विभाग की ओर से पूरी तैयारी है पैसा देने की, लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी ओर से जो है सबका फॉर्म रोक के रखा है, किसी का वेरीफिकेशन नहीं कर रहा है, इसलिए पैसा नहीं मिल पा रहा है। जब भी वेरीफिकेशन कम्प्लीट हो जाएगी आप लोगों को पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो पैसा जब भी मिलने वाला रहेगा मैं आप लोगों को खबर देता रहूंगा। फिलहाल बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है, 2020 में अगर आपने पास कर लिया है ग्रेजुएशन और आवेदन अभी तक नहीं किए हैं तो आवेदन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद लॉगिन करने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करें। तो पूरा फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये दोनों मैं करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और आवेदन करने से पहले आपके पास क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सबसे पहले यही दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आवेदन करने से पहले तो ये निर्देश आप लोग देख लीजिएगा कि क्या क्या आपसे मांगा जा रहा है। आवेदन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। और देखिए यहाँ पे दिया गया है फोटो जो है स्टूडेंट का, वो कम से कम 50 KB का होना चाहिए, 50 KB से ज़्यादा का फोटो नहीं लेगा। और डायमेंशन जो है 200x230 pixels का होना चाहिए, ठीक है। सिग्नेचर की बात करें तो 20 KB से कम की होनी चाहिए, और इसका डायमेंशन जो है वो 140x60 pixels का होना चाहिए। आधार कार्ड जो है स्टूडेंट का केवल ब्लैक एंड व्हाइट में ही स्कैन करके अपलोड करना होता है, इसीलिए बहुत सारे का फॉर्म जो है वो रिजेक्ट भी हुआ था, क्योंकि कलर में स्कैन करके अपलोड कर दिया
और वहाँ जाके रिजेक्ट हो गया। इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आधार कार्ड का जो आप अपलोड करेंगे वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए, मोबाइल से बिल्कुल भी नहीं करिएगा, मोबाइल से ब्लैक एंड वाइट बनाना मुश्किल होता है। मुश्किल तो नहीं है लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होता है ब्लैक एंड वाइट कैसे बनाए, इसलिए मोबाइल से नहीं करिएगा। किसी भी साइबर कैफे में जाके आप अपना आवेदन करवा सकते हैं, ठीक है। केवल ब्लैक एंड वाइट में पीडीएफ फाइल में ही आपको 500 KB से कम का होना चाहिए जो आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, साथ में परमानेंट रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, ठीक है। आपका आवासीय प्रमाण पत्र ब्लैक एंड वाइट में स्कैन करके पीडीएफ फाइल में अपलोड करना है तथा फाइल का साइज जो है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। यहाँ पे और दिया गया जो आवासीय प्रमाण पत्र देंगे, अगर आप शादीशुदा महिला हैं तो आवासीय प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से दीजिएगा, ना कि हस्बैंड के नाम से। हस्बैंड के नाम से दीजिएगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा। इसलिए एड्रेस आप ससुराल का दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हस्बैंड के जगह पिता का नाम होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र में, तो आपका ये फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और फर्स्ट पेज का बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट आपका जो है वो उसका फर्स्ट पेज आपको स्कैन करके अपलोड करना है, ये भी ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए, पीडीएफ फाइल में 500 KB से कम का होना चाहिए। इसमें आपका जो है जिसमें फ़ोटो लगा होता है और पूरा अकाउंट नंबर वगैरह IFSC कोड वगैरह लिखा होता है वो पेज आपको अपलोड करनी है, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और पासिंग मार्क्स, ठीक। अगर सर्टिफिकेट तो नए वाले के पास नहीं होता है तो मार्कशीट ही आपको अपलोड करना है ब्लैक एंड वाइट साइज में, PDF में 500 KB से कम का होना चाहिए। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको फिर भी आवेदन करने में कोई दिक्कत होती है तो देखिए 7वें नंबर पे यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, ईमेल आईडी दी गई है जिस पे आप क्लिक करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी दुविधा को दूर कर सकते हैं। तो फिलहाल अब चलिए मैं आपको पंजीकरण पे क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे फॉर्म भरने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, तो 1 नंबर पे सबसे पहले आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या क्या भरना है ध्यान दीजिएगा, नाम भरनी है, फादर या हस्बैंड दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बोलूँगा हस्बैंड का नाम ना डालें, पिता का ही नाम डालिएगा, और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करके डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डालने के बाद यहाँ पे कैटेगरी अपनी सेलेक्ट कर लीजिएगा, SC ST OBC EBC जो भी है उसे सेलेक्ट कर लें, जनरल BC SC ST दिया गया है तो जो भी आपकी कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लें, चलिए SC कर देते हैं। अब नीचे है मोबाइल नंबर है, आधार नंबर है, ये दोनों मस्ट है आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद एक पासवर्ड आपको बनानी है, पासवर्ड जो है दोस्तों वो है, पासवर्ड आप कुछ इस तरीके का बना लीजिएगा। देखिए पहला आपको कैपिटल लेटर में डालना है, उसके बाद देख पा रहे होंगे नंबर लेटर है, उसके बाद एक स्पेशल करेक्टर @ है, यानी 8 अंकों का या 6 अंकों का पासवर्ड आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैंने 8 अंकों का बताया है, 8 अंकों का बनाइएगा तो मजबूत पासवर्ड होता है, इसे कोई हैक नहीं कर सकता है। पहला कैपिटल, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद नंबर डालिए, उसके बाद @ डालिए, कोई भी नंबर डाल दीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड दिखाई दे रही है यहाँ पे पासवर्ड डालिए उस, और फिर यहाँ पे कंफर्म करके वही पासवर्ड को कंफर्म करिए यहाँ पे डालकर, और ये जो कैप्चा दिखाई दे रही है यहाँ पे डालने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, आपको user ID पासवर्ड मिल जाएगा, इसे चाहे तो आप प्रिंट करके रखिए, भविष्य में कभी भी आपको लॉगिन करके अपना स्टेटस देखने का काम आएगा, ठीक है, तो इसको प्रिंट करके रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। रखने के बाद इसको आगे बढ़ना है तो देखिएगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू आपको दिखाई दे रही होगी, क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। लॉगिन का जो आपका पेज खुलेगा कंटिन्यू करने के बाद, तो यहाँ पे आपको जो user ID मिली है उसे डालना है, ठीक है, user ID को डाल देना है और पासवर्ड अपना जो बनाया है वो आपको पासवर्ड डाल देना है, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिखाई दे रही है कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है, चलिए फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन जो दिखाई दे रही है लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पे कितने स्टेप में फॉर्म को कंप्लीट करना है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला तो पंजीकरण आपका हो गया रजिस्ट्रेशन, उसके बाद व्यक्तिगत जानकारी भरनी है यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद तीसरा स्टेप है कॉलेज का विवरण यहाँ पे भरना है, चौथे में आपको अपना डॉक्यूमेंट यानी फोटो और हस्ताक्षर
और जो भी दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट उसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद अंतिम रूप से आवेदन पत्र को भरकर सबमिट करना होता है, तो सबमिट यहाँ लास्ट में है। और इसके साथ साथ आपको क्या क्या देना है देखिएगा, तो आधार कार्ड की छाया प्रति मैंने बता ही दिया है, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक पासबुक का प्रथम पृष्ठ छाया प्रति और स्नातक उत्तीर्णता का अंक पत्र या प्रमाण पत्र। तो इनमें से चारों का चारों, पाँचों का पाँचों जो है, चार यहाँ पर चार दिया गया है, तो चार डॉक्यूमेंट जो है आपको निश्चित रूप से अपलोड करना है। तो चलिए अब व्यक्तिगत जानकारी पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए व्यक्तिगत जानकारी को आपको भरनी है, तो यहाँ पे ओपन होने देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई देने लगा होगा सारा डिटेल। तो यहाँ पे छात्र का नाम हिंदी में भरना है, ठीक है। आपको हिंदी नहीं भरना आता है तो आप साइबर कैफे से करवा लीजिए, तब ठीक रहेगा। आप खुद से करेंगे गड़बड़ हो जाएगा तो आपका पैसा भी अटक जाएगा। यहाँ पे पिता या पति का नाम हिंदी में मांग रहा है तो हिंदी में भरना है, ठीक है। अब यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि पति का नाम नहीं डालिएगा, पिता का ही नाम डालिएगा तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे माता का नाम अंग्रेजी में डालिए, यहाँ पे माता का नाम हिंदी में डालिए, और यहाँ पे फीमेल रहने देते हैं, डेट ऑफ बर्थ रहने देते हैं, और यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका हो गया, आधार कार्ड नंबर, और आगे बढ़ेंगे तो आपका आ जाता है विद्यालय रजिस्ट्रेशन संख्या। यहाँ पे विद्यालय में जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे भरनी है, और विद्यालय रजिस्ट्रेशन दिनांक कब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ था वो सेलेक्ट करके डाल देना है, डेट यहाँ पे, ठीक है, कब हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन वो डालना है। और यहाँ पे बैंक खाता संख्या अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे दोबारा से बैंक खाता संख्या डालना है, और आईएफएससी कोड यहाँ पे डालनी है, या जो भी आपका बैंक है उसको सेलेक्ट करके अपने बैंक को डाल दीजिएगा, ठीक है। और डालने के बाद यहाँ पे आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जो भी आपका यूनिवर्सिटी है इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी कॉलेज का नाम नहीं दिखाता है यूनिवर्सिटी के बाद तो आप अपने यूनिवर्सिटी से संपर्क कर सकते हैं। चलिए जैसे मैंने मान लेता हूँ मगध यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे कॉलेज, ठीक है, कॉलेज का प्रकार क्या है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए कॉलेज मगध विश्वविद्यालय हो गया। अब यहाँ पे कॉलेज का प्रकार संबद्धता प्राप्त है यानी सरकारी है या अफिलेटेड है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। चलिए यहाँ पे सेलेक्टेड कर लेते हैं मान्यता प्राप्त। अब कॉलेज का नाम, ठीक है, यहाँ पे कॉलेज का नाम दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे कॉलेज का नाम दिखाई देगा। तो अगर आपका इस कॉलेज इस लिस्ट में आपके कॉलेज का नाम नहीं है तो आप अपने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से संपर्क करके अपना नाम कॉलेज का नाम जुड़वा लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, कोई भी एक कॉलेज ले लेते हैं, ये सिर्फ मैं आपको सैंपल के लिए बता रहा हूँ, तो एक कॉलेज ले लेता हूँ, चलिए मान लिया जाए एएन कॉलेज पटना ले लेता हूँ। अब संकाय आपका कौन सा ऑनर्स था तो यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे सामान्य बीए बीएससी बीकॉम तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, तकनीकी बीटेक बीटेक वगैरह किए हैं तो ये रहे यार यहाँ पे करना क्लिक, और व्यावसायिक बीसीए बीबीए एमबीए अगर कुछ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, समकक्ष यानी आलिम शास्त्री वगैरह है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे सिर्फ सामान्य कर देते हैं बीए बीएससी वाला। और यहाँ पे सत्र, ठीक है, आप लोग पूछते हैं कि कौन कौन से साल का आवेदन हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए कौन कौन से साल का आवेदन हो रहा है, तो 17 से 20, ठीक है, 2017 से 20 तक का आवेदन हो रहा है, 2013 से 16, 14 से 17, 15 से 18, 16 से 19 और 17 से 20 तक का आवेदन जो है ये हो रहा है, 21 का अभी नहीं हो रहा है। 2020 तक जिन्होंने पास किया है वो आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 2017-21 में सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे स्नातक उत्तीर्ण होने का की तिथि, ठीक है, जो भी डेट है वो आप अपने यहाँ पे डाल देंगे और सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फोटो सिग्नेचर में आप ध्यान दीजिएगा, देख सकते हैं 230 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल का फोटो होना चाहिए। सिग्नेचर आप इस तरीके से 140-60 का पिक्सल का आपका जो है सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आगे जो दिखाई दे रही है आगे पे क्लिक करेंगे तो आपका अगला भाग आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो है दोस्तों वो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पे आधार कार्ड की छाया प्रति ब्लैक एंड वाइट में आपको अपलोड कर देना है, 500 KB से कम का होना चाहिए। उसी प्रकार से आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज अपलोड करेंगे और स्नातक उत्तीर्णता का अंक प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देंगे, फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 3 फाइल अपलोड हो चुके हैं। अब चौथा जो है स्नातक उत्तीर्णता का प्रमाण पत्र को अपलोड कर देते हैं।
यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे अपलोड कर देते हैं। अपलोड पे क्लिक करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद नेक्स्ट बटन यहाँ पे है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और अगला स्टेप को कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं चारों का चारों अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये आपका नेक्स्ट स्टॉप आता है। देख सकते हैं आवेदन के ड्राफ्ट कॉपी हेतु यहाँ क्लिक करें। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, प्रीव्यू लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से प्रिंट आउट ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ तो ये देखिए ये आपका दिखाई देने लगता है प्रिंट आउट। ये आपका सैंपल के रूप में ड्राफ्ट कॉपी, आप इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे आवेदन करना है, मैंने आपको सारा प्रक्रिया दिखाया है, शुरू से लेकर अंत तक प्रिंट आउट तक मैंने दिखा दिया आपको। तो इसी प्रकार से आप फाइनल सबमिट लास्ट में करके देख सकते हैं। मैंने फाइनल सबमिट अभी नहीं किया है, इसे बाद में करूंगा क्योंकि कुछ जानकारियां अभी भरनी बाकी थी। तो यहाँ पे रहने देता हूँ, आगे मैं बाद में इसे सबमिट करूंगा। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं अगर अभी तक आपने आवेदन नहीं किया है। तो 2021 का जब शुरू होगा तो मैं आपको आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल 2020 तक का ये हो रहा है, तो आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।